कर्मचारियों के क्रमिक अनशन के पांचवें दिन दून एनपीएच ब्लॉक के कर्मचारियों ने भाग लिया। पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर चल रहे इस क्रमिक अनशन में रोजाना 4 से 5 लोग बैठने का ऐलान कर्मचारी संघ ने किया है। वहीं वीरवार को पांचवें दिन धरने पर बैठे दून एनपीएस ब्लॉक के अध्यक्ष विजय मेहता ने बताया कि वे लगातार 5 से 7 सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी वे इसी संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। उन्होंने कहा कि कल हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा पिछले कल रहा। मेरा नाम विजय मेहता, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बद्दी एनपीएस जिला सोलन। देखिए, आज हमारा 5वां दिन है क्रमिक अनशन का और हम लोग सरकार से बहुत आस लगाकर बैठे थे। कल भी जैसे मोदी जी का दौरा था तो हम चाहते थे कि उनकी तरफ से ही कोई अनाउंसमेंट होती इस तरह की, लेकिन हमें फिर से निराशा हाथ लगी है। हम सरकार से लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल किया जाए और कर्मचारियों के जो हित हैं उनके तरफ भी सरकार का ध्यान हो। और एकमात्र मांग जो है हमारी पुरानी पेंशन ही है और अभी भी हम सरकार से आशा करते हैं कि सरकार इलेक्शन आचार संहिता से पहले जो है कुछ ना कुछ हमारे बारे में, जो हमारी ओपीएस की मांग है उसके बारे में सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सोचेगी। देखिए, हमारा जो नेतृत्व है उसकी तरफ से वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाया गया है, तो हमारे एक ही नारा है कि जो पेंशन देगा हम उसी की सपोर्ट में जो है रहेंगे। ऐसा हमारा नेतृत्व हमें गाइड करेगा जी, उस हिसाब से हम जो है अगला प्लान ऑफ एक्शन उस हिसाब से लेंगे। कर्मचारियों के क्रमिक अनशन के पांचवें दिन दून एनपीएच ब्लॉक के कर्मचारियों ने भाग लिया। पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर चल रहे इस क्रमिक अनशन में रोजाना 4 से 5 लोग बैठने का ऐलान कर्मचारी संघ ने किया है। वहीं वीरवार को पांचवें दिन धरने पर बैठे दून एनपीएस ब्लॉक के अध्यक्ष विजय मेहता ने बताया कि वे लगातार 5 से 7 सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी वे इसी संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। उन्होंने कहा कि कल हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा पिछले कल रहा। मेरा नाम विजय मेहता, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बद्दी एनपीएस जिला सोलन। देखिए, आज हमारा 5वां दिन है क्रमिक अनशन का और हम लोग सरकार से बहुत आस लगाकर बैठे थे। कल भी जैसे मोदी जी का दौरा था तो हम चाहते थे कि उनकी तरफ से ही कोई अनाउंसमेंट होती इस तरह की, लेकिन हमें फिर से निराशा हाथ लगी है। हम सरकार से लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल किया जाए और कर्मचारियों के जो हित हैं उनके तरफ भी सरकार का ध्यान हो। और एकमात्र मांग जो है हमारी पुरानी पेंशन ही है और अभी भी हम सरकार से आशा करते हैं कि सरकार इलेक्शन आचार संहिता से पहले जो है कुछ ना कुछ हमारे बारे में, जो हमारी ओपीएस की मांग है उसके बारे में सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सोचेगी। देखिए, हमारा जो नेतृत्व है उसकी तरफ से वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाया गया है, तो हमारे एक ही नारा है कि जो पेंशन देगा हम उसी की सपोर्ट में जो है रहेंगे। ऐसा हमारा नेतृत्व हमें गाइड करेगा जी, उस हिसाब से हम जो है अगला प्लान ऑफ एक्शन उस हिसाब से लेंगे।